एबीसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फरीदाबाद के पलवल के गदपुरी में आज यानी 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी के आगमन पर फरीदाबाद और पलवल के वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं फरीदाबाद एवं दिल्ली की तरफ से जिला पलवल की सीमा में सभी प्रकार के भारी वाहन और हल्के व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आज से बदलेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। आज यानी 1 अक्टूबर से एलपीजी के घरेलू और व्यावसायिक इस्तेमाल वाले सिलेंडरों की कीमतें बदली जाएंगी। बता दें कि नई कीमतें 1 अक्टूबर से ही लागू होंगी। इस बार सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि इस बार कर्मचारियों के खाते में पहले की तरह ही आज यानी 1 तारीख को ही खाते में सैलरी आएगी। बीते महीने 1 तारीख को सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ना मिलने पर सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच ईरानी कप का मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर से खेला जाएगा। बता दें कि ईरानी कप 2024 रणजी ट्रॉफी की विजेता मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज यानी 1 अक्टूबर से पन्ना टाइगर रिजर्व के दरवाजों को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। बता दें कि बाघों की बढ़ती संख्या के चलते अब इनको देखने वाले पर्यटकों की भी संख्या बढ़ने का अनुमान है। फील्ड डायरेक्टर ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जैसलमेर में विंटर शेड्यूल के तहत आज से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। बता दें कि इंडिगो एयरलाइन दिल्ली और मुंबई से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू होगा। इसको लेकर सिविल एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज यानी 1 अक्टूबर से बरेली के 129 केंद्रों पर धान की खरीद शुरू होगी। बता दें कि बीते सोमवार को सभी केंद्र खुल गए हैं। केंद्रों पर स्टाफ की तैनाती के साथ साथ बारदाना भी पहुंचा दिया गया है। बीकानेर बीपीएम हॉस्पिटल के आउटडोर का समय आज यानी 1 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। बता दें कि जबकि रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा। ये बदलाव 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रहेगा। सभी आउटडोर का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक था। संत कबीर नगर में स्वास्थ्य विभाग संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए आज यानी 1 अक्टूबर से संचारी रोग महाअभियान संचालित करेगा। बता दें कि इस अभियान में शिक्षा, कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, नहर और जल निगम सहित 10 विभाग मिलकर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए अभियान संचालित करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 1 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में बारिश होने के आसार नहीं है। बता दें कि इस दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इस अवधि में पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश होने की उम्मीद है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज के दिन 1953 में आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना। आज ही के दिन 1960 में नाइजीरिया यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ। आज ही के दिन 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1979 में भारत के क्रांतिकारी चंदन सिंह गढ़वाली का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2001 में भारत के पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल का जन्म हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।